बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सदन में बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नुपुर शर्मा गाजियाबाद के वैशाली में स्थित राम प्रस्था ग्रीन में शुक्रवार को भागवत कथा में सम्मिलित हुई और राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने काफी समय के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। इस दौरान नुपुर शर्मा ने कहा कि हमारे देश में सनातनियों को खत्म करने की साजिश हो रही है, जो मैंने महसूस किया है। हमारे देश में हमेशा ही हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है। उन्होंने यह कहकर बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग यह कहते हैं कि हिंदू हिंसक हैं और सनातनियों का सफाया कर दो, तो उसे साजिश समझना हमारी गलती नहीं हो सकती। नुपुर शर्मा ने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उन्होंने आगे कहा कि वह कुछ भी कहें तो वह और मैं कुछ भी कहूं तो सरतन से जुदा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा हमारे देश में नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी मजहबी या शरिया कानून से। इस दौरान भागवत कथा के आयोजन श्री भास्कर गांधी ने कहा कि कैंपस में दुर्गा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के तहत पिछले 4 दिनों से भागवत गीता कथा चल रही है। इस दौरान नुपुर शर्मा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने शामिल हुई थी। बता दें कि नुपुर शर्मा अपने विवादित बयानों के चलते राजनीति से काफी समय से दूर चल रही थी। महाराज जी, मैं इतना कार्य करती हूं नहीं। ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये सब हम सभी का है। और इसकी रक्षा केवल मैं करूं, ये उद्देश्य भी मेरे हिसाब से इस लायक शायद मुझे भगवान ने समझा भी नहीं है। परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है, यह सत्य हम सबको भी पता है। जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पर बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं, यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। और जब तक मेरी सास है, मैं आप घर, आप सभी के घर की एक बेटी बेटा, आप कुछ मान लीजिए, मैं उसी के लिए आपके लिए खड़ी रहूंगी, अपनी आवाज उठाती रहूंगी। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। भारत माता की, मुझे आवाज ही नहीं आई आप लोगों की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गिरिराज धरण की।